नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। उत्तर प्रदेश के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी है अंतिम और फाइनल चरण की। सातवें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों के 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा भी इसी चरण में होनी है। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सभी दिग्गज अंतिम चरण के प्रचार के लिए वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। क्या मोदी, क्या शाह, क्या योगी, सभी दिग्गजों ने पिछले 2 दिनों से वाराणसी से लेकर आजमगढ़ तक प्रचार की बागडोर संभाल रखी है, तो वहीं अखिलेश यादव भी सपा के लिए तूफानी प्रचार कर रहे हैं और उनका साथ ममता बनर्जी और साथी जयंत चौधरी भी दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बागडोर राहुल प्रियंका के हाथ में है। वैसे सातवें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटें शामिल है। आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सपा का गढ़ माना जाता है, तो मऊ और गाजीपुर में उनके सहयोगी सुभा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान का असर है, तो वहीं बाकी जिलों में बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल एस का प्रभाव माना जाता है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सातवें चरण की इन 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 सीटें जीती थी, जिनमें बीजेपी को 29, अपना दल एस को 4 और सुभा सपा को 3 सीटें मिली थी। वहीं सपा ने 11 सीटें, बसपा ने 6 और साथ ही निषाद पार्टी ने 1 सीट हासिल की थी। कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। हालांकि इस बार ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़कर सपा के साथ हाथ मिला लिया है, तो निषाद पार्टी ने बीजेपी से अपना गठबंधन कर लिया है। सातवें चरण को लेकर क्या कुछ सियासी समीकरण है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का आखिरी चरण बेहद खास माना जा रहा है और इसी के चलते तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त पूर्वांचल में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश और जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दीपक सोनकर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक राज जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। शौकत अली जी समाजवादी पार्टी से नेता और साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी के इस खास डिबेट में। शुरुआत डॉक्टर सुनील मैं आप ही के साथ में करूंगी कि भले ही सभी राजनीतिक दल ये दावा कर रहे हो कि अब तो उतनी सीटें मिल चुकी हैं जिसके बलबूते सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन अंतिम चरण में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फोकस है, रोड शो से लेकर रैलियों की अगर हम बात कर लें, तो ये बताता है कि ये चरण काफी ज्यादा खास रहने वाला है। शुरुआत में आप ही के साथ में करूंगी, शुरुआत हम मुद्दों के साथ में कर लेते हैं कि इस आखिरी चरण के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो कि जनता की तरफ से देखे जाएंगे और क्या मुद्दे होंगे जिस पर यह इलेक्शन लड़ा जाएगा। देखो, इलेक्शन में पहला चरण और अंतिम चरण बड़ा मायने रखता है। जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, या तो पहले चरण में जो शुरुआत होती है वहाँ भूमिका बनती है और फिर या अंतिम चरण में, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि 349 सीटों पर जहाँ वोटिंग हो चुकी, लगभग 54 सीटें बाकी हैं और 2017 में देखा जाए तो मोदी लहर के बावजूद भी इन 54 सीटों में मात्र बीजेपी 29 सीटें जीत पाई थी। तो ये देखना पड़ेगा कि उन छोटे छोटे राजनीतिक दल जो मुझे लगता है कभी चुनाव नहीं जीते थे, जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कोई भी इलेक्शन नहीं जीता। पहली बार 2017 में जब भाजपा से गठबंधन किया तब 3 सीटें सुभाषपा की आई थी और मुझे लगता है वो विधानसभा में पहुंचे थे जी। जैसे ही सोनीलाल पटेल की बात करें, उनके बाद जब वो स्वर्गीय हो जाते हैं तो कहती हैं अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल, मुझे लगता है पहला इलेक्शन 2017 लगता था और उस दल की घर की लड़ाई थी कि एक पुत्री अलग थी, माँ और दूसरी पुत्री एक अलग थी, दोनों ने अपने अपने राजनीतिक दल बनाए और भाजपा के साथ मुझे लगता है अनुप्रिया पटेल गई और अनुप्रिया पटेल ने लगभग 4 सीटों पर कब्जा भी किया और जब 2019 में सांसद बनी तो मंत्री भी थी केंद्र में,
तो ये देखना पड़ेगा कि चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे जनवादी पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, 2017 में मुझे लगता है कि बिल्कुल सत्ता तक पहुंचे। सत्ता की लड़ाई तो बहुत बरसों से इन्होंने की, और कहीं ना कहीं जो पीछे के राजनीतिक दल थे, चाहे अंसारी हों, चाहे और बड़े ग्रुप के जो लीडर थे वहाँ पे, जो जो अपराधी जगत से आते थे, ये बताया जाता है कितनी सच्चाई है इसमें, उन लोगों का पैसा इन राजनीतिक दलों को पनपने के लिए लगाया गया, चाहे अतीक अहमद हों, चाहे अंसारी हों, और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जहाँ से वो रीजनल पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों को जो लोग चैलेंज कर सकें और अपने मुताबिक जिन पार्टियों से अपने प्रत्याशी विधानसभा में पहुँचा सकें। और इसका ये नतीजा हुआ कि 2017 में जब स्थिति जी आई कि इलेक्शन लड़े, बंटवारा बीजेपी के साथ हुआ तो ये पहुँचे, ये एक रणनीति थी उन ग्रुप की जो कहीं ना कहीं सत्ता के पाजे से 2012 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी रही, और समाजवादी पार्टी के लास्ट में आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने कुछ ऐसे लोगों से दूरी बना ली थी कि वो अपनी छवि सुधारना चाहते थे कि हम इन लोगों को टिकट नहीं देंगे और इन लोगों से हम दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने इन पार्टियों के माध्यम से जो कुछ भी रास्ता राजनीतिक खोजा उसमें ये लगा कि ये लोग बीजेपी से इन पार्टियों ने गठबंधन किया और ये सत्ता तक पहुंचे भी और ये विधानसभा में पहुंचे। तो अब क्या वो जो जिन लोगों ने इनको बढ़ाया, जिन लोगों का इनमें पैसा लगा था, जिन लोगों के लिए जो राजनीति कर रहे थे, क्या वास्तव में वो अभी भी है कि नहीं, ये सातवां चरण जरूर इस बात पर निष्कर्ष पहुंचाएगा कि जो राजनीतिक दल, छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, उन्होंने किन्हीं मुद्दों को लेकर के अपनी पैंट बनाई और अब स्वघोषित, कह सकता हूँ इसको, स्वघोषित नेता बन गए कि साहब मैं इस पार्टी में, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी की बात कीजिए, तमाम ऐसे वीडियो पब्लिकली आए, तमाम उन्होंने ऐसी बातें कहीं, तमाम ऐसे मुद्दे थे, मुद्दे जायज भी थे उन्होंने, जहाँ ओम प्रकाश राजभर जी ने 2017 के चुनाव को देख लिया जाए तो समाजवादी पार्टी और व्यक्तिगत यादवों को टारगेट किया, और ये कई मंचों से, मैं कह रहा हूँ सैकड़ों की संख्या में सभाओं की बात कर लीजिए, ये आरोप लगा कि कहीं ना कहीं ओबीसी का आरक्षण जो है यादवों ने कब्जा किया, और अखिलेश जी के इशारे पर जो हुआ, जो हमको मिलना चाहिए था, हमारी जातियों को मिलना चाहिए था, उसी आधार पर जब भाजपा से इनकी बात होती है तो इस ओबीसी वर्ग के लिए कुछ बात होती है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, उसमें मुझे लगता है कि एक कमेटी भी बनाई गई थी सामाजिक न्याय समिति, और सामाजिक न्याय समिति को 9, 7 और 11 के चक्कर में बांटा गया था, और ये एक राजनीति की शुरुआत थी कि नहीं, हम ओबीसी के लिए लड़ेंगे, और केवल जिस ओबीसी के आरक्षण में कहीं ना कहीं केवल यादवों ने आधिपत्य किया है, इसको हम तोड़ेंगे। आज सुहासपा उनके साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, क्या घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय समिति की मांग को लेकर के जो गठबंधन तोड़ा गया था, क्या वो इसमें है कि नहीं है, ये उनके कार्यकर्ता वो पूछेंगे और ये वोट के माध्यम से जवाब देंगे कि जो राजनीति आपने हमारे लिए की थी और हमें ये बातें कही गई थी कि ये निश्चित तौर से जो हमारी कमजोरी है। और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस सातवें चरण में भुनाने की कोशिश की गई है, उस पर भी हम बात करेंगे, पर पहले दीपक जी से जान लेते हैं। दीपक जी, पहला और आखिरी चरण, जैसा कि सुनील जी ने कहा, बेहद खास माना जाता है, अब जोर आजमाइश तो पूरी की जा रही है, ये बताइए कि सातवें चरण में जनता से कितनी उम्मीदें हैं? जनता महत्वपूर्ण, और पहला चरण भी महत्वपूर्ण, दूसरा चरण भी महत्वपूर्ण, और चौथा चरण, सातवां चरण भी महत्वपूर्ण। लगातार जिस तरीके से हर चरण में भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जनता के बीच तक जाने का काम किया है, अपनी विकास की योजना अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, और उसी योजना के संकल्प के साथ, माने विकास की योजना के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। जहां तक की बात अगर हम सातवें चरण की करते हैं, तो सातवें चरण में जहां 9 जिलों में 54 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, 9 जिले माने बनारस, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में, तो वही हमको बनारस का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भव्य और दिव्य नजर आता है, जिसमें बनारस की पूरी जनता बम बम बोल रही है, और निश्चित रूप से आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो के अंदर आज भव्यता से कितना पूरा बनारस नरेंद्र मोदी जी के जयकारों से, भोलेनाथ जी के जयकारों से आज पूरा बनारस भगमामय हुआ है। इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। दूसरी बात अगर मैं सोनभद्र जिले की करता हूँ, तो सोनभद्र जिले में भी जहाँ 70 साल से पानी की बूंद के लिए तरसाया गया था, हर घर नल की योजना के तहत हर घर को स्वच्छ जल देने का काम किया गया है, और वहां से माफियाओं को खत्म करने का काम किया है, और किस तरीके से कांग्रेस सरकार के अंदर किस तरीके से वहां जमीन हत्याने के नाम पर 10 लोगों की हत्या कर दी जाती है, आज उसका भी कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। वही मिर्जापुर के अंदर लगातार
हमने हर गरीब को आवास देने का काम किया है, लगातार 40,000 आवास वहां पर स्वीकृत हुए हैं और 28,000 निर्माण कार्य के साथ लोगों को आवास मिलने का काम हो रहा है। तो जिस तरीके से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक ये आवास पहुंचा, माने विकास पहुंचा है, माने इरादे नेक और काम नेक के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है, चाहे वो प्रथम चरण की बात हो, चाहे वो लास्ट चरण की बात हो, चाहे वो पूर्वांचल क्षेत्र की बात हो, चाहे वो पश्चिम क्षेत्र की बात हो। देश में सारा विकास हो गया है दीपक जी, सारा विकास हो चुका है। विकास को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही है। अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश में तो सारा विकास हो चुका है, अब आप क्या करिएगा सरकार बना के? देखिए ऐसा है, हमारे भाई जो दीपक जी अभी तमाम योजनाएं गिना रहे थे जिलावार, इन्होंने बताने की कोशिश करी, मगर दुखद ये है कि वो जो इनकी योजनाएं हैं वो कहीं जमीन पर नजर नहीं आई लोगों को। पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसमें बेरोजगारी चरम पर है, उसके बारे में बीजेपी के लोग बात नहीं करना चाहते हैं, महिला सुरक्षा के बारे में लोग नहीं बात करना चाहते हैं। जिस तरीके से किसानों का नरसंहार किया गया था सोनभद्र में, जब हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां अनशन पर बैठती हैं और प्रदर्शन करती हैं, उसके बाद आज तक भी उन किसानों को न्याय नहीं प्राप्त हुआ, जबकि हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे जो भी उनकी आर्थिक सहायता कर सकते थे कांग्रेस पार्टी ने वो किया। मेरे भाई कांग्रेस पार्टी का बार बार जिक्र कर रहे थे, मगर कांग्रेस पार्टी 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही, जो संविधान विरोधी नीतियां रही, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी जो नीतियां रही, जो लड़ाई लड़ते रहे, वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। बीजेपी के राज में सब कुछ इतना अच्छा था तो चुनाव के एन पहले इतने सारे विधायकों का, मंत्रियों का पार्टी को छोड़ के जाना और आरोप लगाना इन्हीं के पार्टी के नेताओं का, वो भी तो कुछ दर्शाता है ना कि आखिर वो लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे और नीतियों से संतुष्ट नहीं थे भारतीय जनता पार्टी जी, के बड़े कार्यकर्ता। पहले की बात, एक रिपोर्ट आई थी सामने, उसमें ये बताया गया था कि अगर पिछले कुछ सालों का डेटा उठाकर देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा जो नेता पार्टी छोड़कर गए हैं वो कांग्रेस पार्टी है। नहीं नहीं, देखिए मैं उसका भी जवाब देता हूँ। आप उत्तर प्रदेश के अगर परिवेश में बात कर रही हैं और अगर आप जितिन प्रसाद या आरपीएन सिंह इन तमाम नेताओं की बात कर रही हैं, तो देखिए ये वो नेता हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक एक स्टेचर दिया, शुरुआत से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी के ही उसके वजह से नेता बने और इनकी पहचान एक बनी समाज में, और कांग्रेस पार्टी ने इनको चुनाव भी लड़ाए तमाम और जीते भी और सरकार में भी रहे, मंत्री रहे दोनों लोग केंद्र में। मगर देखिए ऐसा होता है कि समय होता है, समय हमारे अनुकूल नहीं चला, आज हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष का दौर चल रहा है, तो ये वो नेता हैं जो उस वक्त छोड़ के चले गए संघर्ष के दौर में। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी मेजोरिटी में थी, इनकी तो 3/4 ज्यादा बहुमत से इनकी सरकार थी, उसके बावजूद अगर नेता अपनी पार्टी के अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले, क्यों भाई विधानसभा में 100-100 विधायक किसी मुख्यमंत्री के अपने खिलाफ बैठ जाए धरने पे, अभिषेक जी ये बात क्या? मध्य प्रदेश में तो आपकी पार्टी की सरकार थी ना, उत्तर प्रदेश में दावा करिएगा कि ठीक है संघर्ष का समय है, मध्य प्रदेश में तो आपकी की पार्टी की सरकार थी, उस वक्त कहां संघर्ष था? आपकी पार्टी के नेता छोड़ के चले गए, उस वक्त फिर संघर्ष की शुरुआत हुई। मैं बता रहा हूँ मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस लालच में कि भारतीय जनता पार्टी उनको रिवॉर्ड करेगी इसलिए वो छोड़ के गए। वहां पे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई सरकार को जबरन गिराने का कार्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, महाराष्ट्र में कितनी कोशिशें करी गई, कर्नाटक में सरकार गिरा ली गई, ये तो लोकतंत्र की हत्या करने का काम है भाई। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो संतुष्टि की बात वहां पे नहीं थी, असंतोष की बात नहीं थी। वहां तो आपके अपने ही तो बेवफा निकले ना, अब इसके लिए आप बीजेपी को क्यों कोस रहे हैं? आपके अपने ही पार्टी के तो बेवफा थे। बीजेपी देखिए अपनी पार्टी बेवफा की बात नहीं होती है, जो लोग सत्ता में अगर बैठे होंगे सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा ना, कि कांग्रेस पार्टी से सारे सवाल पूछे जाएंगे, विपक्ष में हम हैं, जो सत्ता में काबिज हैं उनको आखिरकार जवाब देना होगा ना कि युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली, फर्जी एडवर्टाइजमेंट क्यों छपवाए गए, बीजिंग के एयरपोर्ट को बता दिया कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहीं पे पेपर में डाटा छपता है 40 लाख नौकरियां मिली है, कहीं बोला जाता है विधानसभा में 7 लाख नौकरियां मिली है, तो इतना विरोधाभास क्यों है सरकार? ये जायज मुद्दे उठाइए, मैं जरूर सवालों का जवाब लूंगी दीपक जी से। ठीक है मैं इन तमाम मुद्दों को लेकर दीपक जी से जरूर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी से शौकत अली जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शौकत जी, पूर्वांचल में अब जिन सीटों पर इलेक्शन होना है उनमें से ज्यादातर क्षेत्र ऐसा है जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, हालांकि पिछले चुनावों की अगर हम बात करें 2017 में तो उतनी ज्यादा सीटें आपके खाते में नहीं गई थी, लेकिन इस बार की क्या उम्मीदें हैं?
भी दीपक सुनकर भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे, मैं बड़ा गंभीर पूर्वक सुन रहा था कि हो सकता हो कुछ ऐसा बोले कि उत्तर प्रदेश को एक संदेश दे दें। वो बोलने लगे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ, खासकर मैं काशी की इसलिए बात दर्ज करूंगा क्योंकि कल मैं भी काशी में था। मैं जब काशी की धरती पर पहुंचा और नमन किया काशी की धरती को, तो ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि काशी अब क्योटो बन गया है। तो मैं तलाश करने का प्रयास कर रहा था कि काशी का क्योटो कहाँ है। मैं पूरी काशी घूम कर आया हूँ कल, और उत्तर प्रदेश के विकास को भी देखना चाहता था कि देश के प्रधानमंत्री भी यहीं से चुन कर गए हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ी दूर पे मुख्यमंत्री जी भी का गृह जनपद है, तो हो सकता हो कि यहाँ ज्यादा विकास हुआ होगा। लेकिन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जिस तरह विकास नहीं हुआ था, उससे दुर्भाग्य देखिए उससे ज्यादा अछूता रह गया काशी। शौकत जी वो मुद्दे भी बताइए कि क्या आपने खामियां वहां पर देखी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कीजिए। नहीं बिल्कुल, बहुत सारी खामियां थी। मैं आम नागरिक के पास खड़ा हुआ, वो दुकान लगाए हुआ था, मैंने उससे पूछा कि आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं सिविलियंस की तरह गया उसके पास, ये कहकर नहीं गया कि मैं किसी दल का नेता हूँ या कुछ कहकर आया हूँ, उसके पास गया और उसे जानने का प्रयास किया। तो उसने कहा कि दुर्भाग्य देखिए यहाँ से देश के प्रधानमंत्री जीत कर गए हैं, जो प्रधानमंत्री यहाँ गए देश के, और सबसे ज्यादा झेलना हमको पड़ रहा चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात। एक नौजवान युवक चाय बेच रहा था, वहाँ रैली हो रही थी एक पार्टी की, मैं वहां से गाड़ी लेके गुजर रहा था, मैंने पूछा यार नौजवान तुम चाय बेच रहे हो, तुम्हें नौकरी की आवश्यकता नहीं, कहता कि देश के मुख्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के मुख्यमंत्री जब नौकरी देंगे तब हम ना नौकरी करेंगे। उन्होंने कह दिया पकौड़ा बेच के रोजगार मिल जाता है, तो मैं पकौड़ा बेच रहा हूँ, उनसे पूछो कि आपने कब पकौड़ा बेचा था, आप भी आ जाइए हमारे लाइन में खड़े हो जाइए, पकौड़ा बेचिए देखें आपको कैसा लगेगा। इस तरह की बातें सुनने को मिली, तमाम नौजवान रोजगार को लेकर तरसते रहे। आज उत्तर प्रदेश अगर पूरे देश में महंगाई है तो उसका असर तो फिर काशी में भी होगा ना, काशी में ये बोलकर सस्ते में सामान नहीं मिल जाएगा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर से। नौजवान उत्तर प्रदेश का नौजवान भारतीय काशी कॉरिडोर का भी आप जिक्र कर रहे थे सर, उसके बारे में बताइए थोड़ा, फिर मैं दीपक जी से जवाब लूंगा। काशी कॉरिडोर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब काशी कॉरिडोर की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ तमाम व्यापारी थे जो नाराज थे और कह रहे थे कि आप विकास के नाम पे हमें ठगने का काम कर रहे हैं। काशी कॉरिडोर बनाया आपने, किसी प्राइवेट कंपनी को देने का काम कर दिया, किस तरह वहाँ व्यापारियों की दुकानें हटाई गई, किस तरह व्यापारियों का दुआन हुआ, किस तरह व्यापारियों का विघटन हुआ, तमाम व्यापारी इसका विरोध कर रहे थे। मैंने कहा ना तमाम व्यापारी, काशी की धरती के व्यापारी, उत्तर प्रदेश के व्यापारी, उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश का नौजवान वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते जल्दी से। दीपक जी, विकास, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी, तीनों पर जवाब दीजिए। देखिये मनदीप जी, शौकत जी बड़े भाई हैं, बड़ी शांति से उनको पूरे एक से बहकावे को महकमंडल को तैयार किया। मैं स्वयं कल मैं भी बनारस के अंदर गया और सोनभद्र में भी गया था। लगातार जिस तरीके से व्यापार वहां पर खड़ा हुआ विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद, किस तरीके से उनको एक दुकानों का स्थान मिला है और कॉरिडोर बनने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में उनका व्यापार बढ़ा है, ठीक, माने ये उस तरीके से ये बदलाव खड़ा हुआ है। और दूसरी बात, अगर मैं सोनभद्र की बात बताता हूँ तो सोनभद्र के अंदर भी मैं एक परिवार के अंदर बैठा था, तो परिवार ने मेरे से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों की जमीनों को कब्जाने का काम किया गया था, आज वो जमीनें हमको वापस मिली गई है। उसका उदाहरण भी मैं सौके भाई को देना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक माफिया के साथ जादे जी कैसा कमिटमेंट मंच पर कर रहे हैं कि 6 महीने इनको यही रुकने दीजिए, इनसे पहले हिसाब किताब होगा। ये क्या दर्ज करना चाह रहे हैं, ये किस प्रकार की धमकी उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाह रहे हैं, ये क्या उसको साबित करना चाह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और किस तरीके से उस माफियावाद से, उस परिवारवाद से, इस राष्ट्रवाद के आधार पर और विकासवाद के बराबर की जंग जरूरी है, और निश्चित रूप से राष्ट्रवाद के साथ और विकासवादियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता उत्तर प्रदेश की जा रही है। ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी आपसे जवाब लूंगी मैं आगे, लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक, देखिए विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, लेकिन आप बताइए कि विकास को लेकर जो बातें कही जा रही है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं देखो, विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन 2014 से पहले भी हम लोग उधर गए हैं और 2014 के बाद भी गए हैं। ठीक है, विकास बिल्कुल काशी का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन काशी के आसपास का भी मुझे लगता है कि ध्यान प्रधानमंत्री जी रखते, केवल बनारसी ही मोदी जी के लिए नहीं है, आसपास के तमाम वहाँ जिले हैं, लगभग 9 जिलों में आज 7 तारीख को वोटिंग होगी, तो 9 जिलों की समीक्षा की जाए तो मुझे लगता है कई जिले ऐसे हैं
जो 2014 में थे वो भी आज की स्थिति में हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। और केवल काशी कॉरिडोर बनाने से ही बेरोजगारी कम नहीं हो जाएगी, हाँ निश्चित तौर से कह सकते हैं कि इसमें रोजगार लोगों को मिला बनारस में, ठीक, बहुत हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला है, ठीक, लेकिन जितनी संख्या में मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। सुनील जी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी मैं आपसे लूंगी कॉमेंट, लेकिन उससे पहले दीपक जी से जान लेते हैं, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, दोनों को लेकर अपनी बात रखिएगा, उसके बाद में सुनील कौशिक जी बताएंगे कि कितनी हकीकत। देखिए अमनदीप जी, जहां तक की बात हम अगर रोजगार की करते हैं तो 2012 से 17 तक केवल 2,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया गया, वहीं 4,50,000 लोगों को 2017 से 2022 तक पूरी ईमानदारी के साथ उनकी गिर माने इनकी योग्यता के अनुसार 4,50,000 लोगों को सरकारी नौकरी को देने का काम किया, 3,50,000 लोगों को संविदा कर्मी को देने का काम किया, और 2,00,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। उस वक्त उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर क्या थी? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से 2014 से पहले जो बेरोजगारी दर 18% हुआ करती थी वही आज 4% आकर के खड़ी हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये बदलाव दिखाई देता है। तो ये जिस तरीके से आज युवा वर्ग अपना युवा वर्ग स्टार्टअप व्यापार खड़ा कर रहा है, 14% नहीं थी सर, 2.4% थी, करेक्शन कीजिए डेटा में अपने। देखिए 2014 से पहले मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से बेरोजगारी दर को बढ़ने का काम किया गया आज वही घट करके आकर के दिखाई दे रही है। पॉइंट में बोल रहा हूं, जब आपको सत्ता सौंपी गई थी उस वक्त का डेटा शेयर कीजिए ना, 2014 का क्यों डेटा शेयर कर रहे हैं? उस वक्त 2.4% थी, अब 4.8% है। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से उनका जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद में आप महंगाई को लेकर भी बताइएगा। देखिए आपने अभी जिस तरीके से हमारे भाई को करेक्ट किया, आंकड़ों की बाजीगरी ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है, उसी तरीके का दुष्प्रचार जो है वो 2014 से लगातार किया जा रहा है। अगर इतना समय है हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने देश की जनता प्रदेश की जनता के लिए काम करने में दे दिया होता, इतना दिमाग वहां लगा दिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। जिस तरीके से भारत के ऊपर जो ब्याज था हमारा, जो लोन हमारा था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 3 गुना ज्यादा बढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय जो था हमारे ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे बैठ के अभी भी कि बेरोजगारी दर उनकी सरकार आने के बाद बंद हुआ है। मुझे उदाहरण देते हैं उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके यहाँ पे ऑफिसेस थे आखिर उनको शटडाउन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप ये बताइए फोर्ड जैसी कंपनियां, शेवरले जैसी कंपनियां हिंदुस्तान छोड़ के आखिर क्यों जा रही हैं? वो अपना सेटअप क्यों यहाँ पे बंद कर रही हैं? और उत्तर प्रदेश के लखनऊ की मैं बात करता हूँ, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इन्वेस्टर समिट 2-2 बार यूपी में करवाया और भव्य आयोजन करवाए और जनता की गाढ़ी कमाई का जिसमें इस्तेमाल किया गया, पूरे लखनऊ को मोदी जी के और योगी जी के होर्डिंग से पाट दिया गया। ये बताते हैं कि इन्वेस्टर समिट का कोई नतीजा निकला उसके बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया जो समिट में कम से कम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे खर्च किए गए थे, नहीं किया गया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। केवल प्रचार करने के अगर आप मूड में रहेंगे और केवल आप प्रचार करते रहेंगे, खोखले दावे पेश करते रहेंगे कि हमने रोजगार देने का भी वादा कर रही है, महंगाई कम करने को भी लेकर दावे कर रही है, तो क्या कुछ मास्टर प्लान बना रखा है क्या कांग्रेस पार्टी ने? अगर सरकार बनती है तो वो मास्टर प्लान लागू कर दिया जाएगा यूपी में? देखिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करा, जिस तरीके से युवा विधान घोषणा पत्र और महिला विधान घोषणा पत्र हमने जारी किया और हमने अपनी मंशा बताई कि किस तरीके से हम लोगों को वहाँ पे रोजगार देंगे। हमने ये भी बताया जो आवारा पशु की समस्या उत्तर प्रदेश में सब चरम पे है, फसल बर्बाद हो रही है। बता दीजिए ये मास्टर प्लान बाकी सारे राज्यों में अभी तक क्यों नहीं लागू कर दिया गया? बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। आप लोग आरोप लगाते हैं कि बाकी राज्यों का जिक्र करते हैं मीडिया कर्मी। मास्टर प्लान बाकी राज्यों में अप्लाई हुआ है, पंजाब में संविदा पे जो कर्मचारी थे उनको परमानेंट किया गया है, छत्तीसगढ़ का आप उदाहरण ले लीजिए, ठीक है, जो काउडंग था वेस्ट था उसके लिए बाकायदे सरकार पैसा दे रही है उसको बेचे। राजस्थान में गहलोत साहब क्यों नहीं लागू कर पाए फिर आपका जा रही है? राजस्थान सर, देखिए राजस्थान का भी उदाहरण आप देंगी, राजस्थान रोजगार में दूसरे नंबर पर है, रोजगार पर है सर, वो भी डेटा आपको पता होगा। अगर नहीं नहीं देखिए देखिए मैं स्पष्टता से इस बारे में बोलूंगा, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं, अगर कानून व्यवस्था कहीं खराब है, अगर कहीं किसी तरीके की गलतियां हो रही हैं, उसको सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको सही करना पड़ेगा। मगर हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उल्टा उसी के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, सरकार जिम्मेदारी लेने से मना कर देती है, SIT की जांच बैठा देती है। ये सरकार ने सबसे ज्यादा SIT की SIT बनाई है, मगर आज
दुर्भाग्य है कि किसी भी एसआईटी का रिजल्ट निकल कर बाहर नहीं आया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है कहीं क्राइम हो रहा है तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी इस बात को स्वीकार करते हैं। महिलाओं को लेकर आगे जिक्र करेंगे, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आप ही का रुख करूंगी कि विकास के मुद्दों को लेकर हम बात कर लें या फिर पूर्वांचल को लेकर मुद्दों का जिक्र कर लें, लेकिन जातीय समीकरण एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, खास करके पूर्वांचल में। तो अगर हम जातीय समीकरण देखें तो क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आता है, क्या गुणा भाग आप देखते हैं, और इस बार जो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया है, या हम बात कर ले समाजवादी पार्टी की या बीजेपी के, कुछ फेरबदल भी इसमें हुए हैं, तो क्या ये भी पूर्वांचल के इलेक्शन के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको प्रभावित करेंगे? देखो अमनदीप, पूर्वांचल की बात करें या छठवें चरण की बात करें या सातवें चरण की, जो दोनों चरणों की हम बात करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले जाति लोग देखते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर पार्टी और तीसरे नंबर पर मुद्दे आते हैं, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और वही स्थिति है कि छोटे छोटे दलों पनपे और बड़ी पार्टियों को छोटे दलों से गठबंधन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये जैसे समाजवादी पार्टी और भाजपा में कम गद्दावर नेता थोड़े हैं, लेकिन वो नेता जहां पूर्वांचल में जहां अपने कह सकते हैं बरक की ठेकेदारी के लिए जो पनपे उन पे डिपेंड होना पड़ा, और 2017-19 की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के साथ गठबंधन किया तब वो सत्ता तक पहुंचे। और बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, जैसे आप लोग उसकी बात करेंगे, अपना दल की बात करें तो अपना दल ने 4 सीटें जीती हैं, स्वसपा की बात करेंगे तो 3 सीटें जीती हैं, लेकिन इन्होंने जिताई बहुत है। जो इनका वोट बैंक है या बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तो जो वोट डाइवर्ट हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन 2022 का चुनाव जो सातवें चरण का चुनाव है, इस बात को तय करेगा कि पिछले चुनाव में तुम किसी और दल के साथ थे, इस बार आप किसी और दल के साथ हैं, और जो मुद्दों पे आप उभरे थे, जो राजनीति की थी, क्या कहते जातियों के मुद्दे थे, तमाम ऐसे कह सकते हैं बंद कमरे में जब इनकी मीटिंगें होती हैं तो आउट ऑफ भेजा के होती हैं, और किस तरीके से अपने वोटरों को आउट ऑफ लिमिट जाकर के समझाया जाता है वो एक तरीका इनका होता है। चाहे तमाम वीडियो में आपने देखा होगा, गाली देके भी बात करेंगे। एक बार ये भी अभी राजभर जी का आया कि जितना भाजपा एक महीने में खर्च करती है उतनी तो हमारे लोग पी जाते हैं, ये सारी चीजें हैं, उत्साह किस तरीके से भरा जाता है 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा। डॉक्टर सुनील कौशिक, कांग्रेस की अगर हम बात कर लें या फिर बसपा की बात कर लें, किसी भी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं किया है, तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? कांग्रेस के साथ 2017 में गठबंधन था, लेकिन अब 2022 में नहीं है। अगर दलित वोटर्स की बात कर ले तो फिर बसपा को जरूर बहुमत मिलता है उनका, लेकिन कांग्रेस के सामने फिर बड़ी चुनौती क्या इसे कहा जा सकता है? 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन था और इन दलों के साथ था, तब स्थिति नहीं, क्योंकि पूर्वांचल में न ओम प्रकाश राजभर जी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और न अपना दल के साथ गठबंधन था। केवल कांग्रेस से गठबंधन होना मायने नहीं रखता, कांग्रेस का जो वोट बैंक है, मैं कह रहा हूं जैसे आपने अभी एक सवाल किया कि सबसे ज्यादा नेता कांग्रेस के आए हैं, और इसका यदि समीक्षा की जाए तो मुझे लगता है कि भाजपा हो या सपा हो, लगभग 50% वो कांग्रेस में ही होंगी पार्टियां, अधिकतर नेता कांग्रेस के उनमें जाकर के चले गए हैं। तो यदि कहें कि भाजपा को भी कहें कि आधी कांग्रेस पार्टी है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। तो लगभग मुझे लगता है कि इतने बड़े संख्या में नेता जो है, जब बड़ी पार्टी बनी है तो कांग्रेस के लोग ही टूट के उसमें गए हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि वहां जैसे सोनभद्र में एक विवाद हुआ भाजपा की सरकार रहते हुआ, और वो मुद्दा अभी का नहीं था, वो लगभग 50 साल से ऊपर का मुद्दा था कि जो जमीन को लेकर के जिस तरीके की वहाँ व्यवस्था थी, जहाँ वो छोटे समुदाय के लोग उस पर रह रहे थे, कब्जा करने का प्रयास जो वहाँ और जो बड़े लोगों ने वहाँ किया, फायर, ये सारी चीजें हुई, लोग मारे गए, वो मुद्दा क्या मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में क्या प्रियंका गांधी जी ने या समाजवादी पार्टी के लोगों ने उठाया? वो उस मुद्दे को छुआ ही नहीं। तो अब आप केवल उन्हीं पे आ जा रहे हो कि हमारी जाति के लोग, इस जाति के राजभर के लोग इतने हैं, बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि दलितों को हमने इतनी टिकटें दे दी, सपा कह रही है कि हमने मुसलमान यादवों को इतनी टिकटें दे दी, और साथ में चक्र की आप बात करेंगे कि बाहुल जैसे आजमगढ़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिले जो हैं वो लगभग इक्वल था, मैं कह रहा हूँ 1-2% आगे पीछे हो सकते हैं, चाहे आप ओबीसी की बात कर लें, चाहे दलित की बात कर लें, चाहे मुसलमानों की बात कर लें, चाहे सवर्णों की बात कर लें। तो यहाँ स्थिति क्या होती है कि जो दलित और ओबीसी के लोग हैं जिसके साथ चले जाते हैं, मुझे लगता है वही दल जीतता है। और ये 2019 में आपने देखा होगा कुंभ में
चरणों को धोकर के एक प्रधानमंत्री ने संदेश देने का प्रयास वहां किया था कि दलितों का किस तरीके से एक कह सकते हैं कि एक बहुत अंदर से एक ऐसी संदेश दिया कि दलित भी इस बात को लेकर के बहुत खुश थे कि इस देश का राजा या प्रधानमंत्री भी इस तरीके की यदि हमारे लिए सम्मान रखता है तो वो भरपूर वोट भी मिला था उनको। तो ये और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये पहली बार था किसी प्रधानमंत्री ने, मुझे तो लगता है किसी मुख्यमंत्री ने भी ऐसा नहीं किया हो। जब आप ऐसी राजनीति करने लगते हैं, जब बराबर पे बैठने की बात करते हैं उनके मुद्दों के साथ, तो मुझे लगता है वो सत्ता तक पहुंचेगा दल। और यही सातवां चरण मुझे बताएगा कि जनता से जो वादे 2017 में जिन छोटे दलों ने गठबंधन के साथ किए थे, क्या ईमानदारी से 2022 में वो उन्हीं के साथ है? मुझे नहीं लगता उनके साथ है। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि जो निर्णय होगा वो चौंकाने वाले होंगे। ठीक है, शौकत अली जी से रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से। शौकत जी, समाजवादी पार्टी तो साथ चलने का बात कर रही थी दलितों को, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि जिक्र किया डॉक्टर सुनील ने यहाँ पर, कि पैरों को धोकर फिर उसके बाद में उनके पैरों को पोंछना और साथ में उनके साथ में बैठकर खाना खाना, ये एक बहुत ही बढ़िया सा संदेश देता है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सामने तो फिर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। बेटी को हाथरस में जला दिया गया है, ये संदेश क्या देता है उत्तर प्रदेश को, क्या मैसेज जाता है देश को, कभी इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आज हमारे उत्तर प्रदेश में लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं, पांच राज्यों में और भी चुनाव थे, चार राज्यों में, वहाँ कितना प्रचार किया, उनकी खुद की कुर्सी भी खतरे में, इसीलिए उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। बाकी प्रचार को लेकर सर आप निशाना साध रहे हैं, प्रचार तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, क्या प्रचार पर भी रोक लगा दीजिएगा? नहीं, रोक नहीं कर, मैं तो एक लॉजिक सवाल कर रहा हूँ उसको, मैं बातें थोड़ी कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी को रोक के वोटिंग कराई जाए, हम बातें थोड़ी कर रहे हैं किसी चीज को। अभी भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया, इतना काम किया कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश तृप्त हो गया। अगर काम किया था तो विधायक माफी क्यों मांग रहे थे, तेल पानी क्यों लगा रहे थे, विधायक दौड़ाए क्यों जा रहे थे? अगर सच में आपने काम किया था तो नौजवान आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी की चौखट पर सर क्यों पटक रहे थे? महिलाओं को अगर आपने सुरक्षा दे दी थी तो वो कौन थी महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में आके चौखट पे आग लगा रही थी? अब वो कौन थे जो महंतों की हत्या कर रहे थे? अगर सब आपने किया है तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? शौकत जी, ये तो तब भी होता था ना जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये तो तब भी होता था। अमनदीप जी, ये होता रहे क्या कि मानतों की हत्या होती रही उत्तर प्रदेश में? ये होता रहा कि जेल में हत्याएं होती रही, तो फिर बदला क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा किया उत्तर प्रदेश के महंत पर, जो सनातन धर्म का अगुवा था, उस पर सनातन धर्म के लोगों ने जो विश्वास किया, किस लिए किया था? इसलिए किया था कि हमारी राजधानी के अंदर हत्या हो जाए, इसलिए भरोसा किया था। इसलिए भरोसा किया था कि जेलों में भी हत्या हो जाए, इसलिए भरोसा किया था। शौकत जी, आप सवाल उठा रहे हैं बीजेपी से या फिर अपनी पार्टी का उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने भी वही किया, आपने भी वही किया? जो आपने उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए भरोसा किया था कि नौजवानों को रोजगार मिल जाए। अच्छा ठीक है, चलिए आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि आप रोजगार नहीं दे पाए थे और जनता ने भरोसा जताया था बीजेपी पर कि वो रोजगार देगी, लेकिन बीजेपी ने भी रोजगार नहीं दिया। मैं तो आप उस बात को गलत तरीके से पेश करना चाहती हैं मंदीप। ना ना बिल्कुल सर, मैं पेश नहीं करना चाहती, मैं आप ही को मंच दिया सर बात रखने के लिए। मैं तो आप जो सवाल करी मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया और आपने दिया क्या उनको? लाठियों के सिवा क्या मिला उनको? लाशों के सिवा क्या मिला उत्तर प्रदेश को? महिलाएं रात में सुरक्षित नहीं, इससे या तो उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य क्या होगा? सनातन धर्म के अगुवाओं की हत्या हुई है, और क्या दुर्भाग्य लेगा उत्तर प्रदेश? ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभिषेक भी सवाल उठा रहे थे, अब शौकत जी आप भी महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं तो जल्दी से जवाब ले लेते हैं दीपक जी से। सर जवाब दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी उपलब्धि बता दी है लेकिन विपक्ष उसी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की बात तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि किस तरीके से आज मुस्लिम बहनों ने भी और हिंदू बहनों ने भी और सभी समाज की बहनों ने भी अपना एक एक मिनट का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला है कि हमको सुरक्षा और विश्वास दिलाने का काम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है कि जिस तरीके से आज अपने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उस विश्वास के साथ हम लोग अपने उत्तर प्रदेश को ठीक से महसूस करें, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो लगातार उस सुरक्षा का विश्वास जागा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर और मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री योगी। अब जरा डेटा पे बात कर लेते हैं दीपक जी, अब जरा डेटा पे बात कर लेते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट का भी जिक्र कीजिए और साथ ही दलित महिलाओं का सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ है उस पर भी जरा अपनी बात रखिएगा। देखिए एनसीआर की डेटा की बात अगर मंदीप जी करते हैं तो 2017 से 2016 और 2022 के एनसीआर डाटा का कंफर्मेशन हमको बिल्कुल करना चाहिए कि 2016 के अंदर कितने अपराध किए गए और 2022 के अंदर कितने अपराध किए। मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि 2016 में
4000 कुछ हत्याएं की गई थी, वहीं 4300 हत्याएं 2022 के अंदर, माने कम डबल, और वही लूट हत्याओं को लेकर आंकड़ा कम हुआ है। ठीक है सर, सर महिलाओं जो है सर महिलाओं पर अपनी बात रखिए, हत्याओं को लेकर डेटा में कमी आई है, उस पर मैं सवाल ले लूंगी मैं शौकत जी से। दूसरी बात, जहां तक की बात अपने दलित समाज की अगर करी है, हाँ। तो मैं निश्चित रूप से, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय महोदय ने बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने मूल चूल दलित समाज के लिए सम्मान देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से 2017-12 से 17 तक किस हाँ। तरीके से दलितों को जमीनों को कब्जाने का काम किया जाता था, किस तरीके से उनकी बहन बेटियों को बेचत करने का काम किया जाता था। मैं एक उदाहरण भी आपको बताना चाहता हूं अमनदीप जी, कि मुरादाबाद के अंदर बिलारी तहसील के अंदर हमारी बहन माने सोनकर समाज की ही बहन के साथ 17 बीघा जमीन उसकी कब्जाने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करा था, आज उसको दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आए हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास हर धर्म हर वर्ग को लेकर के योजना से जोड़ने का काम करते हैं, मगर जाति समीकरण की बात अगर हम करेंगे तो आज दलित समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रभुत्व तरीके से आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है। ठीक है, हत्याओं का आप जिक्र कर रहे थे शौकत जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद में मैं अभिषेक जी का रुख करूंगी। हत्याओं का जिक्र कर रहे हैं, 2017 के मुकाबले काफी हद तक हत्याओं में कमी देखी गई है, छोटे मोटे जो क्राइम थे वो भी कम हुए, और दंगों को लेकर तो हमेशा से मुख्यमंत्री कहते रहे कि 2017 से पहले दंगे काफी ज्यादा होते थे, लेकिन अब तो दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। जमीन कब्जे को लेकर ये पहली बार हम लोगों को देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश का एक डिप्टी सीएम जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जमीन कब्जे को लेकर नोटिस भेज थे, ये कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश, कभी नहीं बोलेंगे एक एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जमीन कब्जा कर रहा हो, किसी का मकान कब्जा कर रहा हो, कभी सुना है आपने प्रदेश में ऐसा कि जिस पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई हो, जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पर भरोसा किया वही जमीन कब्जा कर ले, न्यायालय का दखल अंदाजी करना पड़े, ये हुआ है कभी प्रदेश में? नहीं हुआ है। ये उत्तर प्रदेश झेल रहा है, ये उत्तर प्रदेश समझ रहा है, इस तरह उत्तर प्रदेश ने इन पे विश्वास जताया था, और इन्होंने समूचे उत्तर प्रदेश को ठगने का काम किया, उत्तर प्रदेश को गुमराह करने का काम किया। कोरोना काल पे लोगों ने नहीं देखा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में क्या नहीं देखा किस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझा उत्तर प्रदेश, बेरोजगारी से जूझ रहा उत्तर प्रदेश? अली साहब, जो आप आरोप मुख्यमंत्री पे कब्जे की जमीन का लगा रहे हैं, जवाब दिया है, वो आपकी सरकार रहते हुए कब्जा हुआ था? क्या काम है, सुन नहीं पाया। उप मुख्यमंत्री पे जो आपने आरोप लगाया जमीन कब्जा का, जो मुकदमा हाईकोर्ट में पहुंचा, वो आपकी सरकार के रहते हुए कब्जा हुआ था? तो मैं तो यही कहूंगा कि चोर चोर मौसेरे भाई। शौकत जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है सुनील जी की? शौकत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, संपर्क टूट गया। अभिषेक जी, ठीक है, अभिषेक जी का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, गठबंधन को लेकर इससे पहले हम बात कर चुके हैं कांग्रेस, लेकिन एक लंबी जो दूरी है, 32 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, ऊपर से जातिगत समीकरण की हम बार बार बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत समीकरण के आधार पर ही हमेशा से तय होती रही है, और इस बार कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में जनता से कितनी उम्मीदें हैं? तमाम पार्टियों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी, अब हिंदुओं को भी विभाजित करने का काम कर रही है जातों में, और जातों के सम्मेलन कराती है और जातों का वोट मांगने का काम करती है, बताती है कि हम सबके हितैषी हैं। प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे से देख लिया 5 वर्ष में कि कितनी थाने में लोगों की सुनवाई हुई जात की वजह से और कितना उनका काम हुआ है। वहीं पे किसानों को मैंने आपको उदाहरण दिया, नरसंहार वाला, आदिवासियों का वहां पे नरसंहार किया गया, उनको मारा गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित किसानों की हत्या कर दी गई वहां पे, और किस तरीके से कांड आया था कि MIM का वहां पे नेता था, और वो नेता वहां पे जबरन हिंदुओं का पलायन करने के लिए बिजनौर मजबूर करता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद ये चीज हो रही थी पिछले वर्ष, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। तो ये सारी तमाम चीजें हैं प्रदेश की जनता ने देखी। अगर आप इन मुद्दों पर बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति करी है, विकास के मुद्दों पर बात करी है, हमने देश जनता के लिए, हम महिलाओं के लिए अधिकारों के, हम मनरेगा लेकर आए, हम सूचना का अधिकार लेकर आए, हम चिकित्सा का
लोगों को सुविधाएं लेकर आए देश में, तो हम इन मुद्दों पर बात करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता और देश की जनता अब इन मुद्दों से उठ चुकी है। कब तक आप जातिवाद को, धर्म को कैश करा लेंगे, कब तक आप उन मुद्दों पर वोट मांग लेंगे भाई? आखिरकार जब लोग खाने के लिए नहीं होगा, परेशान होंगे, तो वो समझेंगे इन चीजों को। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार दम भरती है कि हमने 2 वर्ष से हम लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहे हैं और तमाम चीजें दे रहे हैं। अरे भाई, आप सत्ता में बैठे हुए हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब पार्टी किसी की धर्म के आधार पर जनता को बांटने का आपने आरोप लगाया है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं दीपक जी। बार बार बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि धर्म और जाति के आधार पर बीजेपी लोगों को बांट रही है। पहले भी कहा था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ बढ़ती है, 80-20 क्या है फिर? तुष्टिकरण की काम कौन करने वाला है? सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन 80-20 क्या है? देखिए, 80-20 को मंदीप जी समझना पड़ेगा। ठीक है, समझा। 80 वो कौन लोग है जो योजना को बदलने का काम करते हैं, जो योजना को बढ़ाने का काम करते हैं, जो आस्था के साथ बढ़ने का काम करते हैं, लोगों तक डिजिटल जोड़ने का काम करते हैं, और 20% वो लोग हैं जो माफियाओं का साथ देने वाले लोग हैं, जो गुंडागर्दी को साथ देने वाले लोग हैं, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम करते हैं, जो जनता का तुष्टिकरण करने का काम करते हैं, तो ये सब करने का काम करने के सामने का सामने आरोप क्या? मतलब मैं वही बता, कांग्रेस को आप 20% समझाने की कोशिश कर रहे हैं? 20% कांग्रेस पार्टी है या फिर विपक्षी पार्टियों को आपने 20% पे? पर नहीं बता रहा हूं, जो जो उनके साथ खड़े रहते हैं मैं उनको बताने, मतलब जो विपक्षी पार्टियों के साथ में खड़े रहते हैं, विपक्षी पार्टियों को वोट देते हैं, वो 20% है। जो कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करते हैं, जो माफियाओं के समर्थन देने का काम करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता को जातियों के नाम पर बांटने का काम, वो तो जेल के अंदर है। माफिया तो सर जेल के अंदर चले गए ना उत्तर प्रदेश में। सर आप समझा नहीं पा रहे 20% क्या है। मैंने स्पष्ट बताया ना कि जो ऐसे कामों के साथ खड़े होने का काम करते हैं वही लोग 20% के अंदर आते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल 80-20 नाम का तय कर रखा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से और तुष्टिकरण की बात अभी अभिषेक जी कर रहे थे, दीपक जी आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ है वो 80% है, जो विपक्षी पार्टियों के साथ जनता है वो 20% है। अभिषेक जी बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि 80-20 का इन्होंने ये डेफिनेशन दे दी। मुझे ये बताएं कि अभी तक बीजेपी की सरकार जो टॉप 20 माफिया है यूपी के, उनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी करते, सार्वजनिक करें और बता दें कि उनमें जो 20 नाम है उनमें कितने नामों पे कार्रवाई हो गई। ये बात ये नहीं करेंगे और ये बात ये नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश में अभिषेक जी निश्चित रूप से जो भी दोषी पाया गया है उस पर कार्रवाई करने का काम किया है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो कहीं किसी पर का हो, उस पर कार्रवाई करने का काम किया गया है। किसी तरीके से जहां अपराध होते थे उनकी एफआईआर को वापस देने का काम नहीं किया गया, से भी जवाब उनको संरक्षण देने का काम नहीं किया गया। ठीक है सर, ठीक है सर। शौकत जी आप सवाल खड़े कर रहे थे उसको लेकर, डॉक्टर सुनील कौशिक ने भी सवाल उठाया था, मुझे लगता है शायद आपने सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। वो कह रहे हैं आप ही के राज्य में तो हुआ था। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है शौकत जी? शौकत जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? वो जवाब नहीं देना चाहते इसका। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक, सातवें चरण को लेकर एक फाइनल कमेंट आपका, और साथ ही ये भी बताइए कि कितने ज्यादा विकास के मुद्दे इस बार असरदार साबित होने वाले हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां विकास के मुद्दों को ही इस बार अपना एजेंडा बनाकर चल रही हैं, तो क्या पूर्वांचल की राजनीति में कुछ बदलाव की संभावना आप देख रहे हैं? देखो अमनदीप जी, मैं कह सकता हूँ कि पिछले 3 दशक बाद उत्तर प्रदेश का ये पहला चुनाव है जो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है। तमाम हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास किया हो न किया हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया हो पाया, नहीं हो पाया। हम लोग भी चुनाव से पहले मान रहे थे कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल और दिल्ली का रिकॉर्ड टूटेगा, एक दूसरे की गरमाएं टूटेंगी, एक दूसरे के उन शब्दों की पहुंचार होगी जो मुझे लगता है बोलने और सुनने में भी दिक्कत आती है। वो ऐसा इस इलेक्शन में नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और जनता के वो मुद्दे, चाहे रोजगार के मुद्दे हों, चाहे महंगाई के मुद्दे हों, चाहे जानवरों के, छुट्टे जानवरों के मुद्दे हों, ये प्रधानमंत्री ने भी कई मंचों से कहा, अखिलेश जी ने भी कहा और प्रियंका गांधी ने भी ये बात कही, तो कह सकते हैं कि जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए थे वो जनता इस इलेक्शन के दौरान दिखे, सुनते दिखे, और जनता ने जो माहौल बनाने का प्रयास इन मुद्दों को लेकर के किया, निश्चित तौर से कह सकते हैं बहुत अच्छा था। रही अपराधी की बात, जिस तरीके से दीपक जी कह रहे थे,
उसमें सारे राजनीतिक दल दोषी हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार पहली बार आई है, भाजपा के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे अपराधी यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगता है दशकों लग जाते हैं। तो जो कोई अपराधी, चाहे अंसारी की बात हो, चाहे अतीक अहमद की बात हो, चाहे हरिशंकर तिवारी ग्रुप की बात हो, तमाम ऐसे मैं कह सकता हूँ कम से कम इस उत्तर प्रदेश में 20 से 30 ऐसे चेहरे हैं जो टॉप तक पहुँचे हैं, उसमें सारे राजनीतिक दल इन्वॉल्व हैं। बिना राजनीतिक दलों के आशीर्वाद के कोई अपराधी बड़ा अपराधी नहीं बन सकता। तो ये मैं कहूं कि भाजपा ने कर दिया, सपा ने कर दिया, बसपा ने, सारे राजनीतिक दलों का आशीर्वाद रहा है, और इसमें जो आज स्थिति है ये सारे राजनीतिक दलों को स्वीकार करना पड़ेगा ईमानदारी से कि अपराधियों से लोकतंत्र नहीं चलता। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा मुझे लगता है कि तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। और इस तरीके के जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, यदि ऐसे चुनाव आपको देखने हैं तो ऐसे अपराधियों को या तो मारना होगा या मुझे लगता है जेलों में बंद करना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र की। डॉक्टर सुनील कौशिक, यहाँ स्क्रीन पर बैठ के तमाम प्रवक्ता बड़े बड़े दावे भले ही कर ले, लेकिन आपको याद होगा हालिया में एक लिस्ट भी आई है कि दागी नेताओं को टिकट सबसे ज्यादा दिए गए हैं, सभी पार्टियों ने दिए हैं। जल्दी से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं अभिषेक जी, आपको बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा सर। ठीक है दीपक जी, एक फाइनल कमेंट आपका सातवें चरण को लेकर। जिस तरीके से सातवें चरण में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5, 7, 9 जिलों में विकास की योजना को पहुंचाने का काम किया है, इस लूट तंत्र को लोकतंत्र में बदलने का काम किया है, इस सुशासन व अनुशासन की व्यवस्था को देने का काम किया है, अच्छी कानून व्यवस्था को देने का काम किया है, अच्छी बिजली देने का काम किया है, गरीब को छत देने का काम किया है, तो लगातार इस काम के आधार पर ही निश्चित रूप से अमनदीप जी पीछे किए गए कामों के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार प्रतिनिधित्व चुनने जा रही है कि 2012 से 17 तक किस तरीके से लोगों की प्रताड़ना को छेना पड़ा, आज उत्तर प्रदेश की जनता को योजनाओं से जुड़ने का काम मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता में 10.5 करोड़ लोगों को, लाभार्थियों को योजना देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से इन्हीं विकास के मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी निश्चित रूप से जीतने जा रही है। ठीक है सर, ये तो वक्त बताएगा कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र अब उत्तर प्रदेश पर कितना ज्यादा कारगर साबित होता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगभग इलेक्शन अब अंतिम दौर की ओर है, सातवां चरण होगा जिसके बाद में नतीजे आएंगे और ये स्पष्ट होगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। सभी की निगाहें हैं 10 मार्च पर। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।